वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पीएम मोदी से मांग, लंपी स्किन डिजीज को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन सुविधा को मजबूत करने में मिलेगी मदद। राजस्थान के अलावा 13 राज्यों में बीमारी फैल चुकी है, वैक्सीन आने पर प्रदेश को पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है। महामारी घोषित करने से पशुपालकों और गौशालाओं को पर्याप्त मुआवजा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री लगातार मंचों के माध्यम से भी मांग उठा रहे हैं कि लंपी डिजीज को महामारी घोषित करनी चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, क्योंकि गायों में जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि केंद्र भी अपनी ओर से कदम उठाए और इस डिजीज को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है, लंपी स्किन डिजीज को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है और कहा है कि मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन सुविधा को मजबूत करने में से मदद मिलेगी। राजस्थान के अलावा 13 राज्यों में बीमारी फैल चुकी है, हजारों की संख्या में गायों की मौत हो चुकी है, तो वहीं वैक्सीन आने पर प्रदेश को पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है। महामारी घोषित करने से पशुपालकों और गौशालाओं को पर्याप्त मुआवजा मिल सकेगा। निश्चित तौर पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी इन गायों से चल रही है, पशुपालक हैं कई, तो ऐसे में उनको भी मुआवजा मिल सकेगा, तो वहीं दूसरी ओर गायों को उपचार मिल सकेगा, तो गौशालाओं को भी पर्याप्त मुआवजा मिल सकेगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये मांग उठा भी रहे हैं।